बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। सो आज की क्लास में हम हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में हिंदी के। हमारा 37 में 37 का टारगेट है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, चोर के पैर नहीं होते, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, चोर के पैर नहीं होते, मुहावरे का बताइएगा सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पापी का मन अस्थिर होता है। यह ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, कनप्रिया के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन में पूछा गया है कनप्रिया किसकी रचना है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मवीर भारती। या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कनप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा, कनुप्रिया है, रचना है धर्मवीर भारती का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। शक्तिशाली, दयालु, शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धीरो दांत। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, के लिए एक शब्द होगा धीरो दांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य या फिर कानन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वन पानी का भी अर्थ देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा, वन करेक्ट आंसर होगा। ये पानी का भी अर्थ देता है और यही प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, ये क्वेश्चन था। तो वन करेक्ट आंसर होगा, वन पानी का भी अर्थ देता है, इसका अर्थ पानी भी होता है वन का। बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, गाय कौन सी संज्ञा है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, गाय कौन सी संज्ञा है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, गाय जातवाद संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर ये, भोपाल में कौन सा समाज है? समाज से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भोपाल में कौन सा समाज है? आंसर सभी लोग दीजिएगा,
राइट यार आप लोग आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा। डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी का सेशन है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुवी समास। क्या करेक्ट आंसर होगा? बीस का राइट आंसर होगा, भोपाल में बहुवी समास है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा गया इसमें, कौन पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड आफ्टरनून। प्रस्तर, उपल, पसम या पाहन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पसम। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं, इनके नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में। प्रस्तर, उपल, पहन, ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पसम नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। लेखक व वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये। तो सभी क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आम खाया है, किस काल का वाक्य है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आम खाया है, किस काल का वाक्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्तमान काल का। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, मैंने आम खाया है, वर्तमान काल का वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। दूध का पर्यायवाची बताइए इसमें क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूस, या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दूध का पर्यायवाची प्यूस होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अंगीठी का तत्सम बताइए क्या होगा? अंगीठी एक तद्भव शब्द है, अंगीठी किस प्रकार का शब्द है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए क्या होता है। सी करेक्ट आंसर होगा, अग्निष्ठ का, या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठ का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा, लौट कर आया हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्यागत। डी करेक्ट आंसर होगा, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर बताइएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 6, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संधि 3 प्रकार की होती है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे, यस 3 प्रकार की होती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, मध्याह्न, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। लक्ष्मण का पर्यायवाची बताइए इसमें कौन सा शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में लक्ष्मण का पर्यायवाची बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुमित्रा पुत्र, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए भूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा इसमें? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। घूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा?
ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गर्दब। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा, गधा। गर्दब बूसर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसने अभी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है गर्दब, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, आधी रात के समय को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आधी रात के समय को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निशीत। डी करेक्ट आंसर होगा, आधी रात का समय निशीत कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न अभी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है निशीत, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, कुबेर का पर्यायवाची बताइए इसमें कौन सा होगा? कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? कुबेर का पर्यायवाची होता है धनराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, धनराज कुबेर का पर्यायवाची है। गुड। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा, एक वाक्य दिया गया है, बताइए वाक्य में तेज शब्द क्या है? मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रीतवाचक क्रिया विशेषण है, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मोहिनी तेज दौड़ती है, वाक्य में तेज रीतवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि कौन से काल के कवि थे? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्तिकाल के कवि थे, ये सभी भक्तिकाल के कवि थे, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, विवाह का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा इसमें? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, इसका राइट आंसर बताइएगा। विवाह का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। ए करेक्ट आंसर होगा परिणय, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है परिणय, विवाह का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? गुड इवनिंग। क्वेश्चन इस प्रकार से है, पा फा वा भा मा किस प्रकार के व्यंजन है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी किस प्रकार के व्यंजन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओष्ठ व्यंजन। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, पा फा वा वा मा ओष्ठ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, प्रत्येक में बताइए कौन सा उपसर्ग है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रति। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है प्रति, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, तीसरा सप्तक किसका उपन्यास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा सप्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अज्ञेय। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, अज्ञेय का उपन्यास है तीसरा सप्तक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है अज्ञेय, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, दो शब्द आपको दिए गए हैं, मनुजात और मनुजाद, इनका अर्थ बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, दो शब्द दिए गए हैं, मनुजात और मनुजाद, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनुजात का अर्थ होता है मानव और मनुजात का अर्थ होता है राक्षस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मानव और राक्षस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, कीर का अर्थ बताइए क्या होता है? कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? कील, कीड़ा, तोता या फिर हाथी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तोता, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कीर शब्द का अर्थ होता है तोता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में बताइए कौन सा कारक है? ताले की, बताइए इसमें कौन सा कारक है? सभी आंसर करिएगा,
ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संप्रदान कारक है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लोहे के चने चबाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत कठिन कार्य करना। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, बहुत कठिन कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। एक शब्द आपको दिया गया है, प्रागैतिहासिक, बताइए शब्द का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिखित इतिहास के पहले का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है लिखित इतिहास के पहले का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, लिखित इतिहास के पहले का डी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का जो मानक रूप है किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर मालवी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खड़ी बोली। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। निम्न में प्रेरार्थक क्रिया कौन सी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सी प्रेरार्थक क्रिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समझाना। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, समझाना। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? सकल और सकल का अर्थ बताइए क्या होता है? इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का अर्थ होता है अंश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके, उसके बाद स्पेस है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा, दिन फिरते हैं, ए करेक्ट आंसर है इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके दिन फिरते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रेरार्थक आपसे क्रिया पूछी गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समझाना। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, यही करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। यस, सी करेक्ट आंसर है इसका। ये क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ए में? गिरना लिखा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है, जिसका ज्ञान इंद्रधारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अगोचर। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके अगोचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ बताइए क्या होता है। एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का बताइए सही अर्थ क्या होता है। आ बैल मुझे मार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। आ बैल मुझे मार का अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आकृति शब्द का संबंधार्थक बताइए क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आकृति शब्द का संबंधार्थक शब्द आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा बनावट, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आकृति शब्द का संबंधार्थक शब्द बनावट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। शीश का तत्सम क्या होता है। शीश किस प्रकार का शब्द है, एक तद्भव शब्द है शीश। शीश कैसा शब्द है, एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा शीर्ष, या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शीश का तत्सम होता है शीर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, सीट करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको मैं का बताना है बहुवचन क्या होता है। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हम। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। मैं का बहुवचन होता है हम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, इस बार आप सभी के राइट आंसर है बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा बुभुक्षा, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा बुभुक्षा कहलाती है खाने की इच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। ये यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 परीक्षा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अभूतपूर्व। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। रंगीला शब्द में बताइएगा प्रत्यय कौन सा है। एक शब्द आपको दिया गया है रंगीला, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है। डी करेक्ट आंसर होगा, ईला प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। फिर से एक मुहावरा दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आटे दाल का भाव मालूम सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कठिनाई का ज्ञान होना, या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ होता है, कठिनाई का ज्ञान होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है। तिमिर अंधकार अंधेरा, विलोम शब्द होगा आलोक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, तिमिर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आलोक करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको इसमें उस वाक्य का चयन करना है जिसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। लड़का कहता है, लड़के ने कहा, ऑप्शन नंबर सी है। लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा, बताइए इसमें कौन सा बहुवचन वाक्य है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लड़के लड़के से कहते हैं, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुवचन वाक्य चयन करना था, लड़के लड़के से कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए धर्म का विशेषण क्या होता है। आपको धर्म का विशेषण बताना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धार्मिक, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। धर्म का विशेषण होता है धार्मिक, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। कौन को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वहां, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वहां कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे।
जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। मुझे खेद है, उसके बाद स्पेस है कि, यदि, परंतु या फिर किंतु, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि, मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, कनिष्ठ का ब्लॉम बताइए क्या होता है। कनिष्ठ का ब्लॉम होगा वरिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। कनिष्ठ का ब्लॉम होता है वरिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए इसमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शक्र, पंचवाण, पिनाकी या फिर मनोज, इस प्रकार से ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 है ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शक्र। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, शक्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, रानी से संबंधित क्या कहलाएगा, राजनैतिक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत सरल क्वेश्चन है, राजनीति से संबंधित राजनैतिक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, अमित का बताइए ब्लॉम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, अमित का ब्लॉम क्या होता है, ब्लॉम शब्द आपको बताना है अमित का, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परमित। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, अमित का ब्लॉम होता है परमित, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अमित का ब्लॉम पूछा गया है तो परमित करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासु, क्या कहलाएगा, जिज्ञासु कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, आपको बताना है उनमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपसर्ग पूछा गया है, उनमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर बताइएगा, जो ब्रज भाषा है किसके अंतर्गत आती है, बी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी हिंदी के, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 56 के लिए आंसर करिए, बताइए यातु दान का पर्यायवाची है, डी करेक्ट आंसर होगा, राक्षस और निशाचर, ये सभी यातु दान के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 57 के लिए आंसर करिएगा, अल्प विराम का बताइए चिन्ह कौन सा है। इसमें अल्प विराम इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है, इस प्रकार का चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, यह पूर्ण विराम का चिन्ह है फुल स्टॉप का, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहलाता है, जो बूढ़ा ना हो अजर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर बी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, बीजक किसकी रचना है, बीजक की रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कबीर, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कबीर की रचना है बीजक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ पतवार भी है। चार ऑप्शन दिए गए, बताइएगा इनमें से किस शब्द का अर्थ पतवार भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कड़। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, कड़ का अर्थ पतवार भी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड।